अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको चिकन ब्रेड की रेसिपी दूंगी। मैंने पैन में इस वक्त 500 ग्राम चिकन डाला है, बोनलेस चिकन है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके लिए हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास हड्डी वाला चिकन ना हो तो गो फॉर अ बोनलेस चिकन। तो चिकन इसमें डाल दी है मैंने। अब इसमें मैं आधा कप पानी का डाल रही हूँ। इसको अब मैं मीडियम हीट पे चिकन को पकने के लिए रखूंगी, और इसके साथ फिर मैं आपको इसका बाकी का प्रोसेस अभी बताती हूँ। इसमें मैंने आधा कप पानी का और शामिल कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट के आपका चिकन जो है वो थोड़ा सा उसमें नमकीन टेस्ट रहे। और अब आप इसको कवर कर दें, तो इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें, और मैं बाकी की चीजें आपको इंग्रेडिएंट्स अभी बताती हूँ। इसमें 3 गार्लिक के क्लोव्स आप डाल दें, ताकि कि इसमें किसी तरह की चिकन की हमक ना रहे। जब वो बॉईल हो जाए तो इसको आप वापस कवर करके रख दें। जब तक हमने चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया है, जब तक चिकन बॉईल हो रहा है, मैं बाकी की चीजें आपको बताती हूँ। आप कोई सा भी एक बोल ले लें, और उसमें आपको ये सब चीजें मिक्स करनी है। 1 अंडा, 1 कप दूध आपको चाहिए। दूध फ्रिज का ठंडा ना लें, उसको रूम टेम्परेचर पे रख लें आप। और बाकी 3 चीजें जो हैं, ये आपको 1 टेबल स्पून चाहिए होंगी, जिसमें पाउडर शुगर है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून यीस्ट का लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून आपके पास प्लेन फ्लावर या फिर ऑल पर्पज फ्लावर, कोई भी आपके पास जो हो, 1 टेबल स्पून आपको वो चाहिए। हम इन्हें एक प्याले में डाल के रख देंगे जब तक कि यीस्ट राइज हो जाए। अब एक और प्याला ले लें, और उसमें आप 3 कप मैदे के डाल लें। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम डो बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 3 कप मैदे के हैं। अब इसमें 1 चम्मच चाय का चम्मच टीस्पून नमक की डालेंगे, और इसमें 1/4 कप मेल्टेड बटर आप इसमें डालेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं वेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ सारे, इन्हें मिक्स करूंगी, और इसकी अच्छी सी हम डो बना लेंगे। तो अब आप देखें, जो सारे मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे और जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे, उनको मिक्स करने के बाद डो कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जब तक कि ये रेज होता है, बाय द टाइम हम फिलिंग रेडी करते हैं। मेरा चिकन जो है वो अच्छी तरह से इस वक्त गल चुका है, और यखनी जो इसी में थोड़ी सी रह गई थी उसको मैंने एक कप में निकाल लिया है, जिसमें जो कि हम आगे इसको यूज करेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से आप श्रेड कर लें, और बाकी इंग्रेडिएंट्स फिर हम उसमें मिक्स करते हैं। अब हम इसकी फिलिंग को रेडी करेंगे। मेरे पास 4 टेबल स्पून बटर है, जिसको कि मैं पहले पैन में डाल रही हूँ। 4 टेबल स्पून बटर को डालने के बाद हम इसमें चॉप्ड अनियन जो है वो डाल देंगे। 1 चॉप्ड अनियन इसमें डाल दें, और फिर इसी को जो चिकन हमने बॉईल किया था उसको आप देखें, इस तरह से मैंने श्रेड कर लिया है, और ये श्रेडेड चिकन जो है वो हम इसके साथ डाल देंगे। अभी ये अनियन और श्रेडेड चिकन जो है ये पैन में मैंने डाला है, इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट की इसमें डाल दी है, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट आपको याद है शुरू में भी हमने डाला है चिकन में, तो इसको बहुत ज्यादा ना डालें, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें सॉल्ट डाल लें। और उसके बाद इसमें पेपर डालें, कुछ लोगों को ज्यादा पेपर पसंद है, कुछ लोगों को कम है, तो अपने टेस्ट के एतबार से इसको डालें, और इसको थोड़ी देर जरा मिक्स करें अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी जब तक कि ये चिकन आप देख रहे हैं कि इसमें प्याज है और श्रेडेड चिकन है, बटर है, नमक हमने डाला है, काली मिर्च डाली है, और उसके साथ हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाला है। मेरे पास ये थोड़ी सी यखनी, तकरीबन 1/2 कप चिकन को बॉईल करने के बाद ये यखनी जो हमारे पास बची थी, क्योंकि टेस्ट सारा इसी में है चिकन का,
ये जो एक कप यखनी मेरे पास बची है जो कि मैंने जब चिकन को बॉईल किया है उसमें से बची है, तो इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसी के अंदर हम रफली एक टेबल स्पून के जितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम चिकन में ऐड करेंगे। क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें आपको ये क्रश्ड रेड चिली पसंद हो टेस्ट, क्योंकि मैं तो डालती हूँ, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनको नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल ना डालें। और अगर आपको पसंद है थोड़ी सी मिर्चें तो आप थोड़ी सी इसमें क्रश्ड चिलीज ऐड कर सकते हैं, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस एंड में आप इसमें डालें। और अब आप इसमें ये जो यखनी और कॉर्नफ्लावर हमने मिक्स किए उसको ऐड करें और स्लोली स्लोली इसको इसमें मिक्स करें, और आप देखें कि इसमें स्लाइटली सी थिकनेस आ जाएगी, और शायद आपको 2 से 3 मिनट इसको कुक करने के बाद आप इसको फिर चूल्हे से हटा दें। इस टाइम में अगर आप चाहें तो आप अपनी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ जो है वो इसमें इस वक्त अनकुक नहीं है, क्योंकि चिकन भी ऑलरेडी आपका फुली कुक्ड है और अनियंस भी, तो कोई भी चीज़ अनकुक्ड इस तरह से नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इसको ड्राई करना है बस। जी अब आप देखें ऑलमोस्ट चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो इसको मैं अब साइड पे रख दूंगी और हम अब डो की तैयारी करेंगे। जो डो हमने उस वक्त तैयार की थी वो 2 चिकन ब्रेड के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैंने ये 2 चिकन ब्रेड के लिए यूज करूंगी, तो अभी हम एक को बेलना शुरू करते हैं। अभी आप जब इसको इतना बेल लेंगे जितनी कि आपको ब्रेड चाहिए, तो फिर हम जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसको इस तरह से किसी भी नाइफ को लेके जरा लंबे उसमें आप ऐसे कट्स लगा लें। अब आप जब इस यहाँ तक आपकी ब्रेड रेडी हो जाएगी तो फिर आप फिलिंग को इसमें नाइसली फिलिंग को इसमें फिल कर लीजिए। ये फिलिंग आप बहुत अच्छे से आपकी 2 चिकन ब्रेड्स के लिए काफी होगी। जी अब आपकी जब यहाँ तक आपकी ब्रेड रेडी हो गई है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत आसान है, आपको इसको नाइसली फोल्ड करना है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से। आपको एक इधर से स्ट्रिप उठानी है और एक इधर से, जस्ट लाइक दैट, ऐसे बस आप इसको कवर करते जाएं, और आप देख रहे हैं कितनी नाइसली ये कवर होती जा रही है। ये देखें, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको और फिर मुझे बताएं कि आपकी चिकन ब्रेड किस तरह से बनी है। मेरी बेटी को फिश बहुत पसंद है, तो जैसे आपने देखा है कि मैंने इसको 2 ब्लैक पेपर्स की आइस लगाकर टू लुक लाइक अ फिश, तो मैंने इसको फिश की शक्ल दे दी है, और इट्स अप टू यू, आप चाहें तो ये ऐड कर लें, ना चाहें तो ये ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर सिर्फ जो लास्ट हम सिर्फ काम करेंगे, इसके ऊपर हम एग को कोट करेंगे, और फिर हम इसको ओवन को प्लीज पहले से प्री हीट कर लीजिए 180
सेल्सियस पर और फिर हम इसको अवन में डालते हैं। अभी मैंने इसको एग वॉश कर दिया है जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। अब आप इसको अपने ट्रे में रखें और उसके बाद आपका अगर अवन जो है वो गैस वाला है तो गैस मार्क 5 पे आपको इसको कुक करना है, और अगर इलेक्ट्रिक अवन है आपका तो 180 सेल्सियस पे इसको आप बेक करेंगे रफली 20 मिनट्स के लिए। तो फिर हम उसके बाद मिलते हैं। अभी आप इसकी फाइनल शक्ल देख रहे हैं। इसको एग वॉश करने के बाद मैंने बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है सिर्फ, और अब मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ और फिर इसकी फाइनल शक्ल हम आफ्टर 20 मिनट्स आपको दिखाते हैं। अभी आप बेक होने के बाद देखें कि इसकी चिकन ब्रेड की शक्ल कुछ इस तरह से होगी। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा इस पे कलर आया है, और आप भी जरूर बनाएं और इंशाल्लाह आपकी भी चिकन ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आप बनाते हैं इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मुझे टैग करें मेरे इंस्टाग्राम पे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊं वो आप तक जरूर पहुंचे। उम्मीद है कि आपकी भी चिकन ब्रेड जो है वो इतनी ही अच्छी बनेगी, और मुझे जरूर बनाने के बाद बताएं कि आपकी चिकन ब्रेड कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।